नंबर 7 क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बच्चों आपको जैसे ही पता है, जैसे कि आप लोगों को पता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोथ आर नॉन कैश ट्रांजेक्शन, दोनों के दोनों बच्चों नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो देखो मेरे पास इस समय क्या क्या है मेरे ट्रायल बैलेंस में, मेरे ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग, और एडजस्टमेंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और हम एडजस्टमेंट नंबर 7 भी क्या कर रहे हैं अपने, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कैसे एडजस्ट किया जाएगा फाइनल अकाउंट में हमारे, वो आप लोगों को आज सीखना है। तो जल्दी से देखेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जैसे कि आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है, ये बिजनेस पर्पज से और ओनर पर्पज से, दोनों पर्पज से इसको शो किया जाता है। ये बिजनेस पर्पज से बच्चों हमारे लिए इनकम होती है, और ओनर पर्पज से ये क्या होता है, एक्सपेंस, राइट। बट याद रखना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों नॉन कैश ट्रांजेक्शन होता है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन। सर आप एक मिनट के लिए हमें ये बता सकते हैं कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन का मतलब, बच्चों जिसमें कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हो रहा हो, हाँ, बट एडजस्टमेंट को हम डील करते हैं। बच्चों ऐसे ही आप लोगों की जो एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बैड डेट, ये सब कौन सी ट्रांजेक्शन होती है, ये सारी की सारी हमारी जो ट्रांजेक्शन होती है नॉन कैश ट्रांजेक्शन के अंदर लाई करती हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज ऑल्सो और नॉन कैश ट्रांजेक्शन, इसका इम्पैक्ट बिजनेस पर्पज से कहाँ पड़ता है वो आप लोग देख लीजिए, और ओनर पर्पज से क्या होता है ये देख लीजिए, फिर हम इसे देखेंगे अपने फाइनल अकाउंट में कि किस तरीके से रिप्लेस होगा। तो देखिए मेरे पास ट्रायल बैलेंस है, उसमें मेरे पास कैपिटल है, ड्रॉइंग है, और एक एडजस्टमेंट है। तो पहले कैपिटल एंड ड्रॉइंग को जहाँ पे प्लेस करना चाहिए वो प्लेस कर देते हैं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कैपिटल हमारी लाइबिलिटी होती है, हाँ सर हमें अच्छे तरीके से पता है कैपिटल हमारी लाइबिलिटी होती है, एंड ड्रॉइंग्स और कैपिटल में से लेस किया जाता है, लेस इंटर ड्रॉइंग लेस ड्रॉइंग, तो ड्रॉइंग कितनी है बच्चों 10,000, तो ये मैंने लेस कर दिया। सर बट हमारी एक एडजस्टमेंट भी है ड्रॉइंग, अरे भैया वही तो सीखनी है आज। तो देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मैंने इम्पैक्ट आपको बता दिया है कि इसके दो इम्पैक्ट क्या होते हैं, और ट्रायल बैलेंस में ये गिवन है ड्रॉइंग हमारी, तो इस पे ये चार्ज होगा, और फाइनल अकाउंट में किस तरीके से इसे एडजस्ट करेंगे बस आप लोगों को ये देखना है, ठीक है बच्चों। डन डन, हाँ सर डन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पहले सीख लिया, हाँ कैसे पता, मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या होता था बच्चों, बिजनेस के लिए तो कैपिटल पे एक्सपेंस होता था, बट ऑनर के लिए इनकम, जस्ट उसका अपोजिट है ड्रॉइंग, ड्रॉइंग बिजनेस के लिए इनकम होता है और ओनर के लिए एक्सपेंस। तो चलिए देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज एट द रेट 10%, हमारी ड्रॉइंग कितनी है बच्चों 10,000, चलिए आप लोग सभी देखिए ड्रॉइंग 10,000 है, और इस पर कितने परसेंट चार्ज करना है 10%, तो ये आ गया 1,000 रुपीज। अब क्योंकि ये बिजनेस के लिए इनकम है और ये इनडायरेक्ट इनकम है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है बच्चों, तो ये कहाँ चले जाएगा हमारा P&L में, क्रेडिट साइड, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना 1,000, क्लियर। और एक जगह प्लेस होगा, क्योंकि सर आपने पहले भी बता चुके हैं कि जो भी हमारी एडजस्टमेंट होती है वो दो जगह पे प्लेस होती है। तो बच्चों एक जगह प्लेस हो गया क्योंकि इनकम थी, अब ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, बट क्योंकि ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है इसलिए ओनर कहता है कि मेरे कैपिटल में से रिड्यूस कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है, तो हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5,000 रुपीज, कितना बच्चों 5,000, तो इसका नेट बैलेंस बाहर चले जाएगा 35,000 रुपीज, ठीक है, ये सबको समझ आया। तो ये एडजस्टमेंट डील हो गई, अगर एडजस्टमेंट आएगी ये वाले और हमें जो भी आइटम दे रखी हो, बस मैं पर्टिकुलर इस एडजस्टमेंट को सिखा रहा था। तो बच्चों इसका इंपैक्ट इस जगह पे पड़ेगा आपके फाइनल अकाउंट में, जल्दी से अपना इस एडजस्टमेंट को भी डील कर लीजिए और क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चों अगले एडजस्टमेंट के साथ। जय हिंद। कैसा लगा आपको ये वीडियो और एडजस्टमेंट कैसे समझ आए प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। अगर आपका कोई और फर्दर इश्यू है या सर हमें कोई एडजस्टमेंट समझ नहीं आ रही तो मैं उस पर भी वीडियो बना सकता हूँ, आप बच्चों मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मेरी मेल आईडी पे भी मुझे बता सकते हैं। मेरी मेल आईडी है बच्चों
9441@gmail.com। तो आप मुझे इस पर भी पूछ सकते हैं, जो भी आपके फर्दर डाउट है या कोई क्वेश्चन है पर्टिकुलरली आपको समझ नहीं आ रहा है उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, मैं आप लोगों को वो बता दूंगा पर्सनली भी, या मेरे को अगर लगेगा टॉपिक बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो मैं पूरी वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चों, जय हिंद।